नमस्कार, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है राखीज़ किचन में। आज मैं मूंग दाल के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बनाने में तो बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए देख लेते हैं कितना कम समय में और कितना कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनता है। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, साथ ही साथ बड़े को भी बहुत पसंद है। चलिए इसका सामग्री एंड क्वांटिटीज हम देख लेते हैं। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम मूंग दाल, पिसा हुआ काजू, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, शुगर पाउडर 100 ग्राम, घी मैंने लिया 5 चम्मच और थोड़ा सा काजू लिया इसको गार्निशिंग करने के लिए। बस इतना ही सामग्री चाहिए। अब मैं मूंग दाल को अच्छे से भिगो के रखी थी 2 घंटे के लिए। अब इसको बारीक पीसना है तो मैंने एक मिक्सर जार ले लिया। अब इसका अच्छे से थिक एंड स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी और बीच बीच में मैं चेक करूंगी कि पेस्ट कैसे बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ये पेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं सेकेंड प्रोसेस में जाती हूँ। मैंने कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया और इसमें 5 चम्मच घी दे दिया। मैंने यहाँ पर 5 चम्मच घी इसलिए यूज़ किया क्योंकि दाल 100 ग्राम है, तो मैंने दाल का जो स्मूथ पेस्ट है वो भी दे दिया और इसको अच्छे से स्टेयर करूँगी। मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई लिया क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से दाल भून जाता है। अगर मैं सादा कढ़ाई ले लूँगी तो इसमें दाल अच्छी नहीं बनेगा। अच्छे से ये दाल भून रहा है। इसको 10 से 12 मिनट तक आपको भूनना है जब तक घी ना छोड़े। इसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर और जो मैंने काजू कट के रखी थी वो ऐड कर दूंगी। अब मैं गैस को थोड़ा लो करूंगी और इसके साथ जो पाउडर शुगर है वो ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो बूरा भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पाउडर शुगर ऐड किया। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। ये जो मैंने पाउडर शुगर ऐड किया ये बाद में भी ऐड किया जा सकता है। अब इसको बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूंगी और पाउडर शुगर को मिक्स करूंगी। ये मिक्स हो गया है। अब मैं और एक बार इसको लो फ्लेम में मिक्स करूंगी और ये बिल्कुल बन गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। सर्विंग प्लेट ले लिया और सारे मिश्रण को मैंने सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको 1 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हाथ में ऐसे लेना है और हथेलियों को थोड़ा थोड़ा प्रेस करके एक बॉल जैसा बनाना है। ये बिल्कुल लट्टू बन गया है। अब गार्निशिंग के लिए कटा हुआ काजू का टुकड़ा को मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी और इसको फिर से थोड़ा सा बॉल का शेप दे दूंगी। मैं और एक आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत इजी है। थोड़ा सा ले लिया और इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए मैंने काजू को ऐड कर दिया। ऐसे ही सारे लड्डू बनाना है। 100 ग्राम मूंग दाल से 4 लड्डू बने हैं। लड्डू बिल्कुल तैयार है। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। अब किड्स के लिए टिफिन में भी ये दे सकते हो। अगर आपको ये ट्रेडिशनल रेसिपीज अच्छा लगे तो राखीज़ किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए।
कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि ये लड्डू आपको कैसा लगा। हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए राखीज किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।